भागलपुर के शहीद भगत सिंह रोड घंटाघर के पास एक बाइक चोर को मोटरसाइकिल चोरी करना महंगा पड़ गया, जहां चोरी करने के दौरान स्थानीय लोगों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल चोर बड़ी सफाई से मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहा था, जहां लोगों की नज़र उस पर पड़ी और चोरी करने के दौरान उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने चोर पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। उक्त चोर साक्षक निवासी रविंद्र कुमार की बाइक चुरा रहा था। वहीं मामले को लेकर रविंद्र ने बताया कि वह रेस्टोरेंट में जॉब करता है और बगल वाली गली में बाइक पार्किंग कर रखा था, तभी लोगों के शोरगुल पर उसके बाइक चोरी होने की बात का पता चला। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने चोर के पास से अलग अलग तरह के चाबी, लॉक काटने वाला उपकरण, नशीली पदार्थ भी बरामद किया है। कहां पर देखिए, वो तो राहुल जी पकड़े तो हम बाहर आए तो राहुल जी बताएं कहां पर गाड़ी कहां लगा पे है। कौन बाइक है बाबू? चोरी करके भाग रहा था। अभी क्या किया उसको? चोर को क्या किया? अरे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के हवाले किया। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। कहाँ घर है तुम्हें? इसाक। चोर अपना कुछ बताया कहाँ का है वो? बताया तो बाका। क्या सब था चोर का? बाका कहाँ? उसके पास क्या लाइटर था, चिलम था, चाबी वगैरह। गाड़ी खोल रहा था, गाड़ी का लॉक खोल रहा था। हाँ चाबी था उसके पास। भागलपुर में दुष्कर्म का मामला पूरे समाज को दूषित और कलंकित करता जा रहा है। आए दिन मनचले युवाओं के द्वारा महिलाओं और बच्चियों के यौन शोषण का मामला भी खूब प्रकाश में आता रहा है। ऐसा ही कुछ मामला कजरेली थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 13 अप्रैल 2019 की घटना को लेकर आज यानी शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पन्नालाल के द्वारा एक आरोपी युवक को 14 साल की सजा सुनाई गई। 13 अप्रैल 2019 में कजरेली थाना क्षेत्र के रहने वाले भुजकुन दास ने नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर अपने घर ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को आरोपी भुजकुन दास की पत्नी ने अपनी आंखों से देखा और इसकी सूचना कजरेली थाना पुलिस को दी। कोर्ट ने अभियुक्त भुजकुन दास को मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त को 14 साल की कठोर कारावास एवं 1,00,000 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। साथ ही आर्थिक दंड नहीं दिए जाने पर अतिरिक्त 6 महीने की कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं इस केस को लेकर 5 गवाह गुजारे गए, जिसमें सभी गवाहों ने इस घटना का समर्थन किया। यह जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एपीपी शंकर जयकिशन मंडल ने दी। श्री पन्नालाल सर के यहां से एक अभियुक्त भुजकुन दास को 14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई है और 1,00,000 रुपया अर्थदंड नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कारावास साधारण। ये कजरेली थाना क्षेत्र की घटना है। 13/4/19 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई ये अभियुक्त भुजकुन दास की पत्नी के द्वारा कि ये भुजकुन दास ये कहीं से एक नाबालिग लड़की को ले जाकर अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे, जिसे उसके पत्नी ने देखा और थाना में जाके कंप्लेन की। उसी केस में 14/2/23 को ये भुजकुन दास दोषी पाए गए थे पॉक्सो की धारा 4 में और 376 भादवी में, और आज उसी पर इसे कठोर कारावास 14 वर्ष की दी गई, जिसमें 5 PW जो अभियोजन की ओर से गुजारे गए थे और सभी ने घटना का समर्थन किया। भागलपुर में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चल रहे कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिले में समाकेतिक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग G5 स्ट्रक्चर से बनाई जाएगी, जिसमें सभी ऑफिस एक ही जगह होंगे। इसके लिए नक्शा तैयार हो चुका है और जगह को चिन्हित किया गया है, जिसकी मंजूरी के लिए विभाग को भेजा जा रहा है। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO कार्यालय के लिए भी जगह चिन्हित की गई है और नवगछिया और कहलगांव में भी अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO कार्यालय बनेंगे। इन जगहों को भी चिन्हित कर विभाग को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवगछिया में काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ जिला अभियोजन कार्यालय, एक्साइज कोर्ट और सुल्तानगंज में सर्किट हाउस के लिए भी जगह चिन्हित की गई है और जल्द ही नक्शा भेजा जाएगा। जब मंजूरी मिल जाएगी तब काम शुरू कर दिया जाएगा। लगातार जो है वो जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नए निर्माण हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक समेकित जो है इंटीग्रेटेड सारे ऑफिसेज की बिल्डिंग बन जाए, नई कलेक्ट्रेट की G+5 का स्ट्रक्चर होगा।
तो उसका इंजीनियर साहब ने पहले जो डिज़ाइन बनाया था उसमें कुछ संशोधन के लिए मैंने कहा था, ताकि बिल्डिंग जो है वो फ्रंट फेस करे रोड की तरफ, तो वो सुधार कर लिया इन्होंने और अब हम लोग विभाग को भेज देंगे। विभाग में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद एक नई कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं के साथ जो है वो हम लोगों का प्रयास है कि भागलपुर में बने। अनुमंडल पदाधिकारी का और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का, दोनों पदाधिकारियों का कार्यालय जो है काफ़ी पुराना है, जर्जर है, एक साथ भी नहीं है। एसटीपीओ का तो शहर से थोड़ा दूर भी है, मेन जो सेंटर एरिया है। तो एक नया हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं कि एसडीओ और एसडीपीओ का कार्यालय जो है वो बने, जिला अभियोजन कार्यालय जो डीपीओ का होता है, जो प्रोजिक्यूशन देखते हैं कोर्ट में, उनके ऑफिस का एक्साइज कोर्ट, उसके लिए भी जमीन हम लोगों ने चिन्हित किया है। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता चौक के समीप खुले मैदान में बने एक सैलून में शुक्रवार की अहले सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से सैलून में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना दुकानदार कंजिया निवासी नवल ठाकुर को किसी ने फोन के माध्यम से दी, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार सैलून पहुंचा, तब तक पूरा सैलून जलकर राख हो गया था। संचालक ने बताया कि दुकान में रखे बेंच कुर्सी शीशा समेत वहां रखा सारा सामान जल गया, इससे करीब 70,000 का नुकसान हुआ है। पता चला ये 3:30 बजे भोर में कोई फोन किया। अच्छा, तो फिर वहां से आए, देखते यहां सुहाग हुआ। इसमें क्या क्या चीज था आपका? कुर्सी था, शीशा था, बेंच था। कैगो बेंच था? एक बेंच था, दो कुर्सी था। शीशा कैगो था? शीशा दो था। शीशा दो था। मालगाड़ी के इंजन में टेक्निकल समस्या हो जाने से टिकानी स्टेशन के पास घंटों जाम लगा रहा, जिससे लोग अपने अपने काम के लिए नहीं निकल पा रहे थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम इस कदर लगा कि टिकानी संपार से बढ़ते बढ़ते जगदीशपुर बाजार तक पहुंच गया था। रेलवे के अधिकारियों ने जल्द से जल्द दूसरा इंजन लगाकर जाम को हटाने का काम शुरू कर दिया। एक घंटे के अंदर ही नया इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया, जिसके बाद लोगों की परेशानी समाप्त हुई। पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी विचार मंच ने प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। पीरपैंती की समस्याओं को लेकर गांधी युवा मंच ने 11 बिंदुओं पर आधारित मांग पेश की, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपी गई। इस धरने में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव, ऋषिकेश सिंह, नारायण शाह, अमित शाह, पूर्व सैनिक भूलन दुबे समेत प्रखंड के महिला और पुरुष मौजूद थे। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में शुक्रवार को महाशिवरात्रि को लेकर 251 कुंवारी कन्याओं एवं महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में जल भरकर माथे पर कलश लेकर नंगे पांव शाहाबाद, कठहरा, रसीदपुर, देवधा, करहरिया होते हुए हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव मंदिर किरणपुर पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश की स्थापना की गई। मौके पर अध्यक्ष मोहनलाल सिंह, सचिव शंभू कुमार, कैलाश प्रसाद सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह, बबलू कुमार सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पीरपैंती प्रखंड के मानिकपुर गंगा घाट रोड में नौकुंडी गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में क्षेत्र के महिला एवं पुरुष शामिल थे। सर पर कलश लिए श्रद्धालु मानिकपुर भ्रमण करते हुए जीछो पोखर गए, जहां से जल भरकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। नौकुंडी गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव का आयोजन शांति कुंज हरिद्वार से आए विद्वत जनों की टोली के द्वारा संपन्न होगा। इस मौके पर मानिकपुर मुखिया अरविंद शाह, प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, उषा देवी, पिंकी देवी, गुंजन शाह, कैलाश गोस्वामी, विजय गोस्वामी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल थे।